आगे क्लास में हम लोग देखेंगे अगला जो आपका चैप्टर है फंक्शन। अगला जो आपका चैप्टर वो क्या है, फंक्शन है। चैप्टर ये 3 है आपका एनसीईआरटी में, जो ये चैप्टर है आपका चैप्टर 2 में, मतलब कि चैप्टर 1 में आपका सेट है, चैप्टर 2 में आपका रिलेशन और फंक्शन साथ में दिया हुआ, ठीक है। और अलग अलग बुक में जो मैंने जो आपका रेफरेंस बुक है, जैसे आपका आरडी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, या दूसरा कोई पब्लिकेशन है, तो उसमें क्या है कि रिलेशन को अलग किया हुआ है, फंक्शन को अलग किया हुआ है। तो इस तरह से हम ये चैप्टर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये थर्ड चैप्टर जो है फंक्शन पढ़ना है, इसमें क्या है, तो फंक्शन में लिखा गया है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मतलब हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, एक सेट एक्स है और एक सेट क्या है, वाई है। आपको पता है कि जैसे हम लोग रिलेशन पढ़े थे, तो रिलेशन किससे रिलेटेड था, आपका रिलेशन जो था वो सेट से था, मतलब कि सेट रिलेशन और फंक्शन, सेट रिलेशन और क्या है, फंक्शन, तीनों एक दूसरे से क्या है, मतलब कि सेट पढ़ेंगे उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसलिए तीनों ऑर्डर में है, ये तीनों हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कोई बच्चा, अगर मान लीजिए डायरेक्ट फंक्शन आएगा तो उसको उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कंटिन्यू कर रहा है, सेट पढ़ चुका है, रिलेशन पढ़ चुका है, फंक्शन पढ़ चुका है, तो उसको बहुत ही ईजी वे में ये समझ में आएगा, ठीक है। तो फंक्शन में लिखा गया है कि दो सेट हमारे पास दिया हुआ है, एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है। आपको पता है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सेट हमको एक्स दिया हुआ है, एक सेट वाई दिया, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि उसमें कुछ एलिमेंट है, खाली सेट नहीं है, मतलब कि वाइट सेट वो नहीं है। देन रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि रिलेशन जो है एक्स टू वाई। आपको पता है कि एक्स टू वाई का मतलब हुआ कि पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होगा, मतलब जैसे अगर मान ली कि एक्स टू वाई या ए टू बी कहते हैं, मतलब कि जो हम ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट लिखेंगे, तो उसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो एक्स ए का होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा क्या होगा, बी का होगा। और मान ली यहाँ पर हम लिखते हैं कि एफ फ्रॉम, मतलब कि एफ जो है आपका क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि एक्स से वाई की तरफ है, क्या है, एक्स से वाई की तरफ है, मतलब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और मान लीजिए कि सेट ए होता है, ये बी होता है, हम क्या लिखते हैं कि फंक्शन एफ, ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, क्या लिखते हैं, ए टू बी। अगर बी टू ए होता तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते फंक्शन एफ फ्रॉम बी टू ए। तो ए टू बी और बी टू ए दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। जैसे हम लोग ऑर्डर पेयर में ही पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो अलग है, और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या है, अलग है। ऑर्डर चेंज होने पर वहाँ पर वैल्यू क्या है, अलग अलग है, दोनों सेम थिंग नहीं होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि एक रिलेशन एफ है, मतलब कि एक रिलेशन एफ है, मतलब कि एक फंक्शन एफ है फ्रॉम एक्स टू वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ है, इज कॉल्ड ए फंक्शन। इसको हम फंक्शन बोलेंगे कब, तो ये फंक्शन बोलेंगे इफ, ये कंडीशन है, इफ एवरी एलिमेंट इन एक्स, एवरी एलिमेंट इन एक्स, मतलब कि एक्स का जो एवरी एलिमेंट होगा, हैज ए यूनिक इमेज इन वाई। देखिए इमेज का मतलब यहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग मिरर में पढ़े थे, कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, वो रियल वर्चुअल इमेज या अब जो पढ़े थे क्या इरेक्ट, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो यहाँ पर इमेज है, इमेज का मतलब यहाँ पर जो है क्या है कि हम जो कुछ, जैसे अगर मान ली कि हमको एक समीकरण ही दिया हुआ है, या जैसे मान ली कि हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, जैसे इसको एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, या इसी को हम फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x प्लस टू, क्या दिया हुआ है, x प्लस टू, तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, 3। तो ये 3 को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आया उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है ना। और जो जो डालने पर जो वैल्यू हम पुट किए हैं, जो वैल्यू हम पुट किए हैं, मतलब कि ये आपका क्या है, इनपुट है, मतलब कि इसको हम क्या किए हैं, वैल्यू पुट किए हैं, तो हमको आउटपुट में क्या मिला, 3 मिला। तो जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो हमको वैल्यू मिला उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पर इमेज कहेंगे, या उसी को हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, क्या कहेंगे, आउटपुट। मतलब कि यहाँ पर जो हमको एक रखने पर, मतलब एक का वैल्यू 1 लेने पर हमको कितना मिला, 3 मिला, तो 3 आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। तो लिखा हुआ है इफ़ एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज ए यूनिक इमेज, यूनिक इमेज मतलब क्या होता है कि एक ही इमेज होना उसका चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 लिए तो इसका 3 होगा, ऐसा थोड़ी है कि 1 लेंगे तो एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 2 आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो इसमें 3 ही हमको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे तो एक बार 3 मिलेगा, और एक बार 2 मिलेगा, एक बार 5 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे तो हमको 3 ही मिलेगा। तो ये यूनिक है, क्या है, यूनिक है। तो यूनिक इमेज इन वाई, तो हमको वाई से अगर मान लीजिए इसको हम वाई मान लिए, क्या मान लिए, वाई। तो यूनिक इमेज इन वाई एंड वी राइट, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, क्या हम इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर हम लिख दिए थे, ये रीड हम कैसे करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। जैसे हम लोग पढ़ते थे सेट वाले चैप्टर में, तो हमें क्या पढ़ते थे, जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ते थे, एक्स सच दैट पढ़ते थे, इसको हम यहाँ पर दो डॉट था, इसको हम क्या पढ़ते थे, सच दैट पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमको सच दैट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, या फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो दोनों बात देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। और कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन को हम एफ से लिखेंगे, जनरली हम लोग एफ से लिखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा फंक्शन होगा तो वहाँ पर हम जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर जी, तो क्या होगा
कि ये फंक्शन जी फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ है तो ये फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, और मान ली यहाँ पर के होता था, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं क्या पढ़ते हैं, ये फंक्शन के फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन है तो उसका पहला लेटर एफ है तो एफ से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो वहाँ पर एफ को अलावा दूसरा भी कोई हम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई हो गया, क्या इसको रीड करेंगे, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, दस ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि एक रिलेशन जो हो गया आपका क्या हो गया, एक्स टू वाई हो गया, इज ए फंक्शन इफ, यहाँ पर क्या लिखा, डोमेन लिखा हो, क्या लिखा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स जो होता है आपका क्या हो गया, एक्स आपका पहला सेट है, वाई आपका क्या है दूसरा सेट है, तो पहला सेट जो होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, डोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि दो आपको ऑर्डर पेयर वहाँ पर नहीं मिलेगा, जैसे अगर एक एलिमेंट है, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम वन ली है तो यहाँ पर थ्री होगा, तो वन कॉमा थ्री होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें वन कॉमा टू होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम एक अगर यहाँ पर हम जो वैल्यू रखे हैं वन, तो हमको वन पर थ्री ही मिलेगा, वन पर टू हमको नहीं मिलेगा, या अगर मान लीजिए वन पर हमको टू मिला है तो वन पर थ्री नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो ऑर्डर पेयर में होगा वो क्या होगा, नो टू डिस्टिंक्ट, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों अलग अलग आपको चीज़ नहीं मिलेगा, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, तो वहाँ पर एक ही चीज़ आपको मिलेगा, या तो वन कॉमा थ्री मिलेगा या तो वन कॉमा टू मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि पहला जो सेट होगा आपका उसका एक एलिमेंट अगला सेट के एक ही एलिमेंट से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, दो से एक से ज़्यादा से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आपका एक ही आपका जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे आप समझिएगा कि ये लैंग्वेज में ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम बोले तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपका क्या है, दो सेट आपको दिया रहेगा, एक सेट आपका एक्स है, एक सेट आपका क्या है वाई है, ठीक है ना। एक्स का जो एवरी एलिमेंट है, एक्स का जो एवरी एलिमेंट है वाई के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, वाई के एवरी एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन ए का मैंने एक्स का सब आपका जो एलिमेंट है, एक्स का जो क्या है टोटल एलिमेंट है, वो सब क्या है दूसरा एलिमेंट, दूसरा सेट जो आपका दिया उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट एक्स है और एक सेट हमारे पास क्या है वाई है, ठीक ना। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, आपको पता है कि एरो डायग्राम हम लोग जो पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसी में हमको यहाँ पर एरो डायग्राम हम लोग खींचे थे, ठीक है ना। तो ये आपका एरो डायग्राम है, ये आपका एक्स है, तो एक आपका सेट एक्स है, एक सेट आपका क्या है वाई है, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री, मतलब कि एक्स जो सेट है उसमें क्या है वन टू थ्री एलिमेंट है, और वाई जो उसमें क्या है ए बी सी है, ठीक है। तो ध्यान से बात को समझिएगा कि यहाँ पर वन है, ये आपका क्या है वन है, तो ये वन जो है किससे रिलेटेड है बी से, ठीक है ना। फिर टू जो है किससे रिलेटेड है बी से, फिर थ्री जो है किससे रिलेटेड है सी से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन एक्स, तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट इन एक्स, यहाँ पर एक्स का एवरी एलिमेंट क्या है वन टू थ्री, तो एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज ए यूनिक इमेज, हैज ए यूनिक इमेज, मैंने यहाँ पर देखिए एक यूनिक इमेज मिला है, जैसे वन के लिए क्या है बी है, ठीक है ना, एक यूनिक है, ठीक है ना। मतलब यूनिक क्या है कि एक एक ही वहाँ पर इमेज बनना चाहिए, यूनिक मतलब क्या होता है एक ही इमेज बनना चाहिए। तो वन करने पर क्या मिला बी, ठीक है ना, टू करने पर भी बी मिल सकता है, ठीक है ना, थ्री करने पर भी हो सकता था कि बी मिल सकता था। तो मतलब कि जो दूसरा सेट है उसके एवरी एलिमेंट से, वो दूसरा जो सेट है उसके एलिमेंट से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ रहना चाहिए, एवरी एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहे या ना रहे उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन सेट जो पहला हमारा सेट है, जो पहला हमारा सेट है वो क्या है एक्स है, उसका एवरी एलिमेंट का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर लिए हैं तो उसको हमको उसका कुछ हमको क्या मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए कि अगर हम वैल्यू रखें, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम वैल्यू रखें हैं यहाँ पर वन, तो कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा, वन रखने पर हमको थ्री मिला या हो सकता है कि वन रखने पर टू मिला, तो अगर हम कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि एक्स अगर वन लेंगे तो यहाँ पर बी आया, मान लीजिए यहाँ पर टू रखें तो क्या आया बी आया, थ्री लिए तो क्या लिए सी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर वन जो है बी से जुड़ा हुआ, टू जो है बी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास एक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू अगर हम माइनस टू लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस टू, और एक बार हम लेते हैं टू, तो माइनस टू रखेंगे तब भी फोर आएगा, टू रखेंगे तब भी फोर आएगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर जो हम इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है ना, जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या है, एक बार माइनस टू है तब भी फोर मिला, टू है तब भी फोर, मतलब कि इनपुट हमारा क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, आउट इनपुट हमारा क्या है अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनपुट जो है आपका क्या है अलग अलग होगा, ठीक है ना, लेकिन आउटपुट हो सकता है कि सेम भी आ जाए, आउटपुट जो होगा आपका क्या होगा सेम भी आ जाए। तो जैसे यहाँ पर वन रखने पर बी आ गया, टू रखने पर भी क्या आ गया बी आया, तो ये संभव है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो यहाँ पर आपका एक अगर जो आपका क्या होगा आउटपुट होगा, तो उसका दो आपको आपका एक अगर आउटपुट इनपुट है तो आपका दो आपका क्या होगा इनपुट, फिर से हम इसको बोलेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम अगर एक वैल्यू रख रहे हैं तो उस पर दो वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर हम एक्स का वैल्यू अगर वन लिए हैं, क्या लिए हैं वन, तो ऐसा नहीं होगा कि उस पर जो है आपका एक बार ए मिले और एक बार बी मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, फिर से कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। इसको भी यहाँ पर हम मिटाते हैं,
चलिए नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका है टू नंबर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सेट एक्स और एक सेट क्या है वाई है। ध्यान से बात को समझेंगे कि एक सेट हमारे पास एक्स और एक सेट हमारे पास क्या है वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहला जो सेट है हमारे पास, पहला जो सेट है वह जो होना चाहिए किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। पहला जो सेट है हमारा उसका एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। जो दूसरा सेट है वो रिलेटेड हो या नहीं हो उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है ना। हमको मतलब किससे है कि हमारा जो पहला सेट है, हमारा जो क्या है पहला सेट है उसका एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट जो है पहले सेट का जो एक एलिमेंट है वो अगला सेट के एक ही एलिमेंट से क्या होगा जुड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जो है बी के साथ भी जुड़ जाएगा और एक जो हो जाएगा सी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हमसे बोला जाएगा कि क्या बताइए कि क्या जो है क्या यह जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है ये आपका क्या है फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला जो वन है वो बी से रिलेटेड है, ठीक है ना। टू जो है बी से रिलेटेड है लेकिन थ्री जो है वो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट इन एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पहला सेट है उसका एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो थ्री है ये किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन आपका नहीं है। बात समझ में आ गया कि इससे पहले वाला जो केस हम देखे थे उसमें क्या था कि उसका एवरी एलिमेंट था किसी ना किसी से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा जो यहाँ पर जो वन है बी से रिलेटेड है, ठीक है। टू जो है बी से रिलेटेड है लेकिन थ्री जो है किसी से रिलेटेड है नहीं। तो रिलेटेड किसी ना किसी से होना चाहिए था, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका जो है इट इज नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आपका कि एक सेट आपका एक्स है, एक सेट आपका क्या है वाई है। एक सेट आपका एक्स है और एक सेट आपका क्या है वाई है। एक्स में जो एलिमेंट है वो 1, 2 है, 1, क्या है 2 है। वाई में जो एलिमेंट है वो क्या है a, b, c, मतलब कि a, b, c तीन एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 जो है a से रिलेटेड है, 2 जो है b से रिलेटेड है और 2 जो है फिर c से रिलेटेड है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है या मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो उसमें अगर हम एक बार जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस टू, ठीक है। या मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या है एक्स प्लस टू एक क्या है एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमको बोला गया कि एक्स का लो टू रखिए, तो क्या अगर मान लीजिए कि एक्स का लो अगर हम टू रखेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। और फिर मान लीजिए कि एक बार हम 2 रखेंगे तो फिर हमको दूसरा वैल्यू मिलेगा, ऐसा तो कभी संभव होगा नहीं, ठीक है ना। अगर 2 रखेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा, 4 के अलावा दूसरा कोई नंबर हमको नहीं मिलेगा। मतलब कि हमको जो इनपुट अगर हम 2 डालेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, इस क्या यह जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो चलिए फंक्शन में याद रखिए कि फंक्शन में अगर फर्स्ट सेट का जो आपका पहला एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा, एक से ज़्यादा से रिलेटेड वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर फंक्शन ये क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये फंक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहला जो सेट है हमारे पास, पहला जो क्या है सेट है उसका एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट से क्या है रिलेटेड है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हो रहता है तो वहाँ पर अगर हम एक वैल्यू डालते हैं तो हमको एक वैल्यू डालने पर एक यूनिक सोल्यूशन उसका मिलता है, दूसरा अगर वही वैल्यू हम फिर दोबारा डालेंगे तो ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, ऐसा हमारे पास ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, पहला जो सेट था वो फंक्शन था, इसके बाद जो आपका दूसरा और तीसरा जो एग्जाम्पल था, मैंने दूसरा जो तीसरा आपका एग्जाम्पल है आपका फंक्शन नहीं, ठीक है ना। और एक बात और कि जैसे फंक्शन जो है आपका, जो आपका फंक्शन है वो रिलेशन ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो याद रखिए कि जितना आपका फंक्शन है, ठीक है ना, ऑल फंक्शन इज रिलेशन बट ऑल रिलेशन इज नॉट फंक्शन। मतलब फिर से समझिएगा इसको, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे क्या कि ऑल फंक्शन, जितना आपका फंक्शन है वो सबका क्या रिलेशन है, क्यों, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो रिलेशन से ही आया, ठीक है ना। और रिलेशन का एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है, कह सकते हैं कि रिलेशन में अगर हम कुछ स्पेशल केसेज को ऐड करते हैं तो आपका क्या बनता है, फंक्शन बनता है। इस रिलेशन में क्या था कि रिलेशन में था हमारा कि अगर पहला सेट का एक एलिमेंट है तो दूसरा सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट से क्या हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। जैसे रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पहला अगर सेट का एलिमेंट है तो दूसरा सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो भी सकता है, रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा, मैंने पहला सेट का एक एलिमेंट दूसरा सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट से क्या हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है फंक्शन में कि अगर पहला सेट हमारे पास है, अगर हमारे पास क्या है पहला सेट है तो दूसरा सेट के एक ही एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा। और जो पहला सेट है उसका एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किसी ना किसी से। ऐसा नहीं होगा कि मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम कुछ वैल्यू डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ अगर हम उसमें डालेंगे, जैसे कुछ अगर एक्स का वैल्यू रखेंगे तो हमको कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मिलेगा, मतलब कि अगर हम कुछ इनपुट डालेंगे तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जो पहला सेट का जो एलिमेंट होगा
वह किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इफ एवरी एलिमेंट इन एक्स, इफ एवरी एलिमेंट इन एक्स मतलब कि हमारे पास जो एक सेट एक्स दिया हुआ है ना, उसका एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन वाई, मतलब कि उसका एवरी एलिमेंट जो होना चाहिए दूसरे सेट जो आपका वाई है उससे रिलेटेड होना चाहिए ना, उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज मतलब क्या कि वो एक ही किसी से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा से जुड़ा होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या होता है कि ओनली वन, मतलब कि एक ही से जुड़ेगा, एक से ज्यादा से नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। एंड वी राइट, इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, क्या पढ़ते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा रहता तो जैसे लेसन में लोग पढ़े थे लेसन में, तो हम उसको डिस्कस नहीं किए थे कि अगर मान लीजिए यहाँ आर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से, तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, आर इज रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि एक रिलेशन आर जो है एक्स टू क्या है वाई से रिलेटेड यहाँ पर करा है, यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन है जो रिलेट कर रहा है एक्स टू वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नीचे हम क्या लिखे थे कि रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि एक्स टू वाई रिलेशन है आपका, ये एक फंक्शन है इफ डोमेन ऑफ एक्स, मतलब कि आपका जो क्या है एफ जो आपका है, एफ जो आपका क्या है फंक्शन है ना, तो उसका जो आपका फर्स्ट जो क्या होता है सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं। डोमेन रेंज और कोडोमेन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, इससे पहले वाला क्लास में जो हम रिलेशन पढ़े थे उसमें। तो यहाँ पर भी क्या है डोमेन है कोडोमेन है और रेंज है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग चेंज होगा, मैंने सेम मीनिंग है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा चेंजिंग कुछ है, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि जो हमारा पहला सेट होता है, मतलब कि सेट एफ जो होता है वो आपका क्या होता है डोमेन कहलाता है, ठीक है ना, और वह जो होना चाहिए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, मतलब कि एक अगर है तो वो एक से ज़्यादा ऑर्डर पेयर वहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा। इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब कि एफ का जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक ही कोऑर्डिनेट से एक से ज़्यादा आपका क्या होगा ऑर्डर पेयर आपका क्रिएट नहीं होगा, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ, मतलब कि एक्स कॉमा वाई जो है एक ऑर्डर पेयर है, एक्स कॉमा वाई जो है आपका क्या है एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग कर रहा है एक फंक्शन से, वी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ लेंगे तो वाई हमको कुछ मिलेगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ अगर हम एक फंक्शन हमारे पास दिया है तो वहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ अगर हम डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा वाई उसका वैल्यू मिलेगा, तो जो मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं इमेज कहते हैं। तो वाई को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे वाई को हम यहाँ पर बोलेंगे इमेज बोलेंगे, और एक्स को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे प्री इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज को ही हम लोग क्या कहते हैं इनपुट कहते हैं, मतलब कि वो वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना, और आउटपुट में लोग क्या कि डालने पर हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो इमेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इमेज को ही हम लोग कहते हैं आउटपुट कहते हैं, और जो आपका प्री इमेज होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्री इमेज को ही हम लोग कहते हैं इनपुट। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ये कंजस्ट क्या कहते हैं ज़्यादा ये रफ टाइप का हो गया, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले हम कि एफ ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ एक्स पढ़िए या एफ एक्स पढ़िए, ठीक है ना। तो यह एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, मतलब क्या है कि एक्स एक फंक्शन है हमारे पास दिया है जिसमें हम एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिला है वाई मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे इमेज बोलेंगे, या उसी को हम क्या बोलते हैं आउटपुट, मतलब कि हमको निकल के जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं कि 3 × 3 तो वहाँ पर क्या है 9, तो 3 × 3 वो पुट किए तो वो क्या हुआ इनपुट हुआ, हमको वहाँ पर मिला 9, तो 9 हमारा क्या हो गया आउटपुट, मतलब जो रिजल्ट होगा जो क्या होगा रिजल्ट होगा उसको हम इमेज बोलेंगे, या उसी को हम क्या बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे। जो हम वैल्यू पुट करेंगे उसको हम इनपुट बोलेंगे, या उसी को हम क्या बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ वी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हेयर, मतलब कि यहाँ पर वाई इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स, मतलब कि वाई जो होगा ठीक है ना वाई जो होगा उसको हम किसका इमेज बोलेंगे एक्स का, वो एक्स का इमेज इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक्स पुट किया तो हमको वाई मिला है, एक्स पुट किया तो हमको क्या मिला है वाई मिला, ठीक है ना। मतलब कि अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किया तो वाई वैल्यू वाई का वैल्यू मान लीजिए हमको 0 मिला, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर हम वहाँ पर 1 पुट किए तो वाई हमको कितना मिला 0 मिला, ठीक है ना, तो 1 डालने पर 0 मिला। तो इसलिए जो यहाँ पर इमेज जो एक्स होगा आपका इमेज ऑफ एक्स जो होगा ठीक है ना वाई जो होगा आपका क्या होगा इमेज ऑफ एक्स होगा अंडर एफ, मतलब कि एक फंक्शन के थ्रू, मैंने फंक्शन के तहत, मतलब कि फंक्शन है क्या होगा कुछ फंक्शन वहाँ पर रिलेट करेगा उसके तहत आपका क्या है कि एक्स अगर हम डालेंगे तो हमको वाई मिलेगा। तो वाई को हम क्या बोलेंगे इमेज ऑफ एक्स, क्या बोलेंगे इमेज ऑफ एक्स, एंड एक्स इज कॉल्ड द एक्स को क्या बोलेंगे तो एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वाई, तो एक्स को हम क्या बोलेंगे प्री इमेज ऑफ वाई, एक्स को हम क्या बोलेंगे प्री इमेज ऑफ वाई। तो ये आपका था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर कुछ और मैंने क्या है कुछ डिस्कस है उसको हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। नोट कीजिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है वो आपका क्या है फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि एक फंक्शन है जो एक्स टू वाई है ठीक है, देन डोमेन ऑफ एफ, मतलब कि जो आपका फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा एक्स के इक्वल होगा, एक्स मतलब क्या होगा कि जो पहला आपका सेट दिया उसके इक्वल होगा, और को डोमेन जो होगा फंक्शन का, फंक्शन का जो क्या होगा को डोमेन होगा
वो वाई के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेट दूसरा माने कि पहला सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। दूसरा जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज आपका क्या होता है, तो रेंज जो आपका होता है वो सबसेट होता है किसका, सेकेंड सेट का, मतलब कि वाई का, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इससे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो सेट रहेगा, कोई जो नहीं कि उसका नाम एक्स और वाई ही हो सकता है कि ए और बी हो, ठीक है ना। तो जिस मान लीजिए हमारे पास दो सेट दिया हुआ, एक सेट आपका एक्स है और एक सेट आपका क्या है, वाई है, ठीक है। तो रिलेशन में हम लोग क्या पढ़े, तो रिलेशन में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, मतलब कि पहला, और मतलब कि रिलेशन में हम लोग पढ़े थे क्या, जैसे हमारे पास एक सेट मान लीजिए कि एक्स है, एक्स को हम यहाँ पर ए करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट क्या है, बी है। इसमें कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, इसमें कुछ है 3 और 4 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, तो हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, और ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो एलिमेंट आता था उसका अगर हम सबसेट लिखते थे तो उसको हम क्या बोलते थे, रिलेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, रिलेशन। तो वहाँ पर क्या होता था कि जब हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, तो ए का सबसे एक करते थे, एक बार बी का सब एलिमेंट से करते थे, फिर दो का सब एलिमेंट से करते थे, फिर थ्री का सबसे करते थे, उसका उसको हम लिखते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे कि ए और बी का ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब कि ए और बी से, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि पहला जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा, बाद वाला जो एलिमेंट होगा क्या होगा, बी का होगा, जो ऑर्डर पेयर में होगा, ठीक है ना। मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट, ऑर्डर पेयर का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो ए का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा, बी का होगा। उसमें का जो सबसेट हम लिखते थे उसको हम क्या बोलते थे, रिलेशन बोलते थे, ठीक है। अब रिलेशन में हम स्पेशल टाइप, स्पेशल यहाँ पर कंडीशन क्या जोड़ दिए कि अगर पहला जो हमारे पास सेट है, पहला जो हमारे पास क्या है, सेट है, हमारे पास जो पहला सेट है उसका एवरी एलिमेंट, उसका एवरी एलिमेंट जो है सेट बी से वो रिलेट होना चाहिए, सेट बी के से रिलेट होना चाहिए। मतलब कि बी से, बी के किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है, मान लीजिए कि 1, 2 और 3 है, ठीक है, 4 है, और एक सेट मान लीजिए कि हमारे पास बी, एक सेट क्या है, बी है। इसमें मान लीजिए कि कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि 10 है यहाँ पर, 11 है यहाँ पर, 12 है, ठीक है ना। तो ए का एवरी एलिमेंट, ए का एवरी एलिमेंट जो है ना, मानी कि जो पहला जो सेट है उसका एवरी एलिमेंट, मानी कि जिससे के तरफ, जैसे मान लीजिए हमको रिलेशन, यहाँ फंक्शन जो है हमारे पास ए टू बी है, क्या है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि ए आपका पहला सेट हो गया और बी आपका क्या हो गया, दूसरा सेट हो गया। अगर मान लीजिए यही रहता आपका फंक्शन, ये फंक्शन ए फ्रॉम बी टू ए, तो आपका बी जो हो जाता आपका क्या हो जाता, पहला हो जाता सेट, और ए जो हो जाता आपका दूसरा सेट हो जाता। ऐसा नहीं कि अल्फाबेट के ऑर्डर पर कि ये पहला है और दूसरा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एरो का साइन के बाद जो रहेगा वो आपका क्या होगा, दूसरा सेट होगा, और एरो के पहले जो होगा आपका क्या होगा, पहला सेट होगा, ठीक है। तो ए का जो माने पहला जो सेट है उसका एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो एक ही से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जो है मान लीजिए 10 से कनेक्ट हो गया, 4 जो हो गया 10 से कनेक्ट हो गया, 3 जो हो गया 10 से कनेक्ट हो गया, 2 जो हो गया 10 से कनेक्ट हो गया, तभी ये रिलेशन होगा, तभी ये क्या होगा, फंक्शन होगा, तभी रिलेशन तो ये है ही, रिलेशन तो ये आपका है ही। अगर मान लीजिए किसी से कनेक्ट नहीं है तभी रिलेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन, क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते थे, वाइड रिलेशन, या उसी को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। किसी से रिलेटेड नहीं है तभी वो क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ए का एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, चाहे वो दूसरा जो सेट है हमारे पास उसका एक ही एलिमेंट से सब क्यों ना कनेक्ट हो, लेकिन कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है ना कि अगर पहला जो सेट है हमारे पास, जो पहला सेट है वो किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया, ये क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम क्या बोले फंक्शन के लिए, कि दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी कंडीशन जो है खाली, कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी जो आपका एलिमेंट है वो ऐसा नहीं होगा कि किसी से रिलेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 को अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कर दिए क्या कि ये किसी से रिलेटेड नहीं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, सेट होगा भाई आपका, क्या होगा, रिलेशन होगा, लेकिन यह जो है आपका क्या होगा, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट जो है 3 वो किसी से रिलेटेड है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, मतलब कि ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक 3 जो आपका एलिमेंट है वो सेट बी के किसी एलिमेंट से क्या रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। दूसरा, तीसरा कंडीशन आपको क्या ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ए का जो एवरी एलिमेंट होगा तो एक एलिमेंट सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, एक एलिमेंट किसी एक से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 हुआ 10 सिलेक्ट हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि 1 11 सिलेक्टेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि ए का अलग अलग एलिमेंट जो है इसके एक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट सिलेक्टेड हो सकता है। ए का जो है पहला जो हमारे पास सेट है उसका एक एलिमेंट, या मान लीजिए 2 एलिमेंट बी के सेम एलिमेंट सिलेक्ट होना हो सकता है, लेकिन ए का जो एक एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट्स, बी के एक एलिमेंट से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर
वन जो है तो वन अगर टेन से रिलेटेड हो गया है तो वन एलेवन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वन ट्वेल्व से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक ही से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है किसके लिए, फंक्शन के लिए। तो रिलेशन में स्पेशल यहाँ पर तीन हम क्या लगा दिए, कंडीशन लगा दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से आप क्या समझे कि जितना रिलेशन होगा वो आपका क्या होगा, मतलब कि जितना फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, रिलेशन होगा, लेकिन सब फंक्शन आपका रिलेशन नहीं होगा। मतलब कि फिर से हम बोलते हैं पर कि जितना आपका फंक्शन हो गया, ऑल फंक्शन आर रिलेशन, मतलब जितना फंक्शन है आपका वो क्या है, रिलेशन है, लेकिन ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, मतलब कि आपका जितना रिलेशन है सब फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जहाँ हमारे पास दिया हुआ था ये पॉइंट लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये दिया हुआ, मतलब कि ये लिखा हुआ क्या है, तो ये लिखा हुआ आपका है कि एक फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, देन डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन का जो डोमेन होगा वो पहला सेट के इक्वल होगा, एक्स जो आपका क्या है फर्स्ट सेट है, और को डोमेन जो होगा वो दूसरा सेट वाई के इक्वल होगा, और रेंज जो होता है वो क्या होता है, तो रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, दूसरा सेट का। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल में लेते हैं, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है क्या, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर दे दिया। बी इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया थ्री कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। ठीक है, अब हमको यहाँ पर फंक्शन मान लीजिए कि है दिया हुआ क्या है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है ना, वो आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ए है, तो एक एलिमेंट लिख लिए वन टू थ्री और फोर। बी हम लिख लिए यहाँ पर, इसमें आपका है थ्री फाइव और सिक्स। ठीक है, थ्री फाइव और क्या हो गया, सिक्स हो गया। ठीक है, वन जो है थ्री से रिलेटेड हो गया, कोई खास रूल होगा उसके से आपका ये क्या है रिलेट हो गया। ठीक है ना, तो क्या रूल है यहाँ पर, नहीं सिर्फ हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि किस रूल से वहाँ पर क्या होगा सेटअप होगा, मैंने किस रूल से रिलेटेड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए टू जो है फाइव से रिलेटेड हो गया, थ्री जो है वो भी फाइव से रिलेटेड है, और फोर जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, थ्री से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि हमारे पास जो ए का एवरी एलिमेंट है, ए का जो क्या है एवरी एलिमेंट है, ए का जो एवरी एलिमेंट है, ए का जो एवरी एलिमेंट है वो क्या है, किसी ना किसी से रिलेटेड है। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास खाली नहीं है, मैंने कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी से रिलेटेड नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट है तो एक ही से रिलेटेड है, मतलब कि वन जो है थ्री से है, टू जो है सिर्फ फाइव से ही है, थ्री जो है सिर्फ फाइव से ही है, फोर जो है सिर्फ थ्री से ही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वन थ्री से भी और वन फाइव से भी, ऐसा तो नहीं है। ठीक ना, तो ये आपका क्या है फंक्शन दिया, तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन आपका है कि नहीं, तो है। ठीक ना, अब सेट बी में कोई खाली रह गया तो उससे हमको मतलब नहीं, खाली रह सकता है। ठीक है ना, जो रह भी रह सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए इस फंक्शन को अगर हम मान लीजिए अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वन जो है किससे रिलेटेड है, थ्री से, तो वन हो गया थ्री से। टू जो हो गया किससे रिलेटेड हो गया, फाइव से हो गया। थ्री जो हो गया वो भी फाइव से रिलेटेड हो गया, थ्री जो हो गया वो भी आपका क्या है फाइव से रिलेटेड हो गया। फोर जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो फोर जो है आपका वो रिलेटेड है किससे, थ्री से। फोर जो आपका किससे रिलेटेड हो गया, थ्री से रिलेटेड हो गया। फोर जो आपका क्या हो गया, थ्री से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक एलिमेंट है तो एक ही से रिलेटेड है, वन है थ्री से है। ठीक है ना, टू जो है फाइव से है, थ्री जो है आपका क्या है फाइव से, फोर जो है आपका क्या है थ्री से। ठीक है ना, एक से ज़्यादा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कहीं पर भी, ऐसा यहाँ पर कहीं भी नहीं है कि वन है तो थ्री है और वन है तो फाइव है, ऐसा कहीं पर है नहीं। ठीक है ना, मतलब कि एक जो एलिमेंट है वो एक ही से रिलेटेड यहाँ पर है, तो ये आपका क्या है फंक्शन है। ठीक है ना, इसका ऑर्डर पे हमें इसका एलिमेंट हो गया, कितना एलिमेंट हुआ यहाँ पर, तो एक दो तीन चार हो गया, कितना हो गया एक दो तीन और चार। ठीक है ना, अब इसमें क्या ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, कि यहाँ जब भी हम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पहला सेट का जो एलिमेंट होगा, पहला सेट का जो जितना एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी से रिलेटेड होगा, किसी ना किसी से रिलेटेड होगा, मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट आपका सब रिलेटेड किसी ना किसी से होगा। ठीक है ना, बाद वाला किसी से रिलेटेड हो भी सकता है, रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग जो रिलेशन पढ़े थे तो उसमें हम जब क्या लिखते थे, उसमें जब हम लिखते थे डोमेन लिखते थे, क्या लिखते थे डोमेन ऑफ रिलेशन लिखते थे, तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, तो वहाँ पर जो हमारा ऑर्डर पेयर का जो क्या होता था, मतलब कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला एलिमेंट होता था, जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लिखे उसमें जितना ऑर्डर पेयर होता था, तो उसका पहला कोऑर्डिनेट जो होता था उसको हम क्या कहते थे, डोमेन कहते थे, क्या कहते थे डोमेन ऑफ रिलेशन। यहाँ पर क्या है डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो वहाँ पर हम देखते थे कि रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर यह भी हो सकता था कि पहला एलिमेंट का जो पहला जो सेट का एलिमेंट है वो किसी से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, किसी से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है
कि ए का एवरी पहला जो सेट है उसका एवरी एलिमेंट रिलेटेड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहला आपका जितना सेट होगा, जितना जो आपका क्या होगा सेट का, पहला जो सेट का जितना एलिमेंट होगा वो सब किसी ना किसी से रिलेटेड होगा। मतलब कि जो हम फंक्शन में एलिमेंट को देखेंगे, फंक्शन में एलिमेंट के देखेंगे तो उसमें जो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, पहला जो क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा वो आपका पहला सेट से ही मिलेगा। तो इसे देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका पहला जो सेट होगा, पहला जो आपका क्या होगा सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन। यहाँ पर इसलिए आपका क्या हो गया, डोमेन जो आपका हो गया वो क्या हो गया, सेट ए के इक्वल हो गया। सेट ए के इक्वल होगा मतलब कि सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, तो 1, 2, 3 और 4। तो ये आपका हो गया क्या, डोमेन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया था क्या कि अगर ये अगर सेट x होता और ये अगर सेट y होता तो सेट x को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। किसका, फंक्शन का। फंक्शन का डोमेन आपका क्या हो गया, तो फंक्शन का डोमेन जो हो गया पहला जो सेट हो गया उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन का डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता था, रिलेशन में हो भी सकता था, कभी कभी नहीं भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर पहला जो सेट है उसका कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं भी हो सकता था। अब अगर हम इसके को डोमेन की बात करेंगे, किसके बात करेंगे, को डोमेन ऑफ फंक्शन। तो को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है कि सेट बी मतलब कि सेट वाई, बाद वाला सेट, तो बाद वाला जो सेट होगा आपका वो पूरा क्या होगा, को डोमेन होगा। वहाँ भी, वहाँ पर भी क्या होता था कि जो आपका दूसरा सेट होता था उसको हम क्या कहते थे, को डोमेन कहते थे। तो यहाँ पर भी ये बात सिमिलर है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये बात क्या है, सिमिलर है कि सेट बी जो होगा आपका क्या होगा, को डोमेन कहलाएगा। तो सेट बी यहाँ पर हो गया और सेट बी में एलिमेंट क्या है, 3, 5 और 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3, 5 और 6। तो ये आपका हो गया को डोमेन। मतलब क्या समझे कि फंक्शन में पहला जो सेट होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, दूसरा जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, को डोमेन। अब आते हैं रेंज पर, अब आते हैं रेंज पर, फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो रेंज में हम लोग क्या देखते थे रिलेशन में, रिलेशन में जब हमको रेंज निकालना होता था तो सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब कि ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता था उसको हम लिखते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है, यहाँ पर भी क्या है, सेम वही बात है कि जो हमारा फंक्शन का जो क्या है, फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर है मतलब कि जो एलिमेंट है उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम देखेंगे और जो रिलेटेड होगा उसको हम लिख देंगे। जो फंक्शन मतलब क्या है, हम यहाँ पर बोले कि आपका जो फंक्शन में जो एलिमेंट होगा, फंक्शन में जो क्या होगा एलिमेंट होगा मतलब कि जो ऑर्डर पेयर होगा उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट देखेंगे और उसको हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 3 है 5 है 5 है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और आपको पता है कि एक से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं, तो 3 यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। तो 3.5 जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, तो 3.5 जो हो गया आपका रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज, ठीक है। 3.5 जो हो गया आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। 6 इसमें क्यों नहीं इंक्लूड हो गया, तो 6 यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 6 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका रेंज हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इस तरह से देखिए आपको कि 3.5 है, तो अगर मान लीजिए कि सेट बी का अगर हम सबसेट लिखेंगे, सेट बी का अगर हम क्या लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे, तो उसमें 3.5 आएगा कि नहीं आएगा। सबसेट है, सबसेट अगर हम मान लीजिए इसका लिखेंगे, कोई भी सेट है तो उसका सबसेट हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसका अगर मान लीजिए 3.5, 6 का अगर हम सबसेट लिखेंगे तो उसमें एक सेट आपका, एक सबसेट क्या बनेगा, 3.5 बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो रेंज एफ हुआ, यह जो क्या हुआ, रेंज एफ हुआ, ये सबसेट हुआ किसका, को डोमेन का। ये सबसेट हुआ किसका, ये सबसेट हुआ को डोमेन ऑफ एफ का। और को डोमेन ऑफ एफ मतलब क्या हो गया, तो को डोमेन ऑफ एफ का मतलब हो गया कि सेट बी का, सेट बी का ही क्या हो गया, सबसेट हो गया, या प्रॉपर ये सबसेट है, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि अगर सबसे रिलेटेड हो गया तो आपका क्या होगा, इक्वल भी हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया को डोमेन, और ये आपका हो गया सब, ये आपका हो गया डोमेन, ये आपका हो गया को डोमेन, और ये आपका हो गया रेंज, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं कि जो रिलेटेड है वो आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो 3 रिलेटेड है, 5 रिलेटेड है, हम लोग एरो का साइन इसमें है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, तो 3.5 जो हो गया आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। 6 नहीं है तो आपका कोडोमेन में, सॉरी 6 आप 3 और 5 रिलेटेड है तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है ना। 6 किसी से रिलेट नहीं कर रहा है तो ये आपका रेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 3.5, 6 होगा, ये पूरा आपका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है फंक्शन में। तो पहला जो सेट होता है आपका आपका क्या होता है, डोमेन। दूसरा जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और जो आपका यहाँ पर जो इमेज होता है, क्या होता है, इमेज। यहाँ पर जो आपका क्या होता है, इमेज जो होता है, इमेज जो होता है, जैसे 3 किसका इमेज है, 1 का, 5 किसका इमेज है, 2 का, फिर 5 किसका इमेज है, 3 का भी इमेज क्या है, 5 है, 4 का इमेज क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो जो इमेज होगा, जो क्या होगा, इमेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। जो इमेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो रेंज जो होगा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होगा वो क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, मतलब कि सेट बी का क्या होगा, ये सबसेट होगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बाद जो आपका है इमेज ऑफ सबसेट्स उसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको एक दो बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि पहला जो
शुरुआती का जो लेक्चर था उसमें हो सकता है कि समझ में नहीं है, तो फिर उसको दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कल देखेंगे एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल में भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, शायद 10 या 12 क्वेश्चन है, तो उसको भी एग्जाम्पल में हम लोग करेंगे, ठीक है।